करोड़पति बन गए हैं योगी, जाने सीएम बनने के बाद कितनी बड़ी है संपत्ति। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनकी ओर से दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक योगी की संपत्ति में पिछले 4 साल में करीब 59 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। एमएलसी चुने जाने के समय उनकी संपत्ति 95.98 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 1.54 करोड़ हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72.17 लाख रुपए थी। शुक्रवार को दाखिल पर्चे के साथ दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री के पास 2 असलहा भी हैं, जिसमें 1 लाख कीमत के एक रिवॉल्वर व 80,000 रुपए कीमत की एक राइफल भी है। योगी के पास कोई वाहन नहीं है। उनके पास डाकघर, संसद मार्ग, नई दिल्ली के खाते में 35,24,708 रुपए हैं, जबकि 2.33 लाख रुपए का बीमा है। नई दिल्ली संसद भवन स्थित SBI की शाखा में 25,99,171 रुपए, PNB गोरखनाथ में 4,32,751 रुपए जमा है। इसके अलावा SBI नई दिल्ली में कुल 8,37,485 रुपए मूल्य की 3 FDR, PNB गोरखनाथ में कुल 7,12,636 रुपए की FDR, SBI गोरखनाथ के एक खाते में 7,908 रुपए, लखनऊ विधानसभा मार्ग स्थित SBI की शाखा में 67,85,395 रुपए जमा है। गोरखनाथ स्थित डाकघर से खरीदे गए 2,33,000 रुपए के कुल 12 किसान विकास पत्र भी योगी आदित्य के पास है। सीएम योगी के पास नहीं कोई जमीन, मकान और गाड़ी, रखते हैं रिवॉल्वर, राइफल। योगी आदित्यनाथ के पास 49,000 रुपए कीमत का 20 ग्राम का कुंडल, 10 ग्राम के रुद्राक्ष, लगी एक सोने की चेन जिसकी कीमत 12,000 रुपए है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, ना ही उन पर कोई मुकदमा है। 49 वर्ष के मुख्यमंत्री योगी HN बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से विज्ञान BSc से स्नातक हैं। 2014 तक योगी के पास थे 3 लग्जरी वाहन। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी। इनमें एक पुरानी टाटा सफारी, इनोवा और नई फॉर्चुनर शामिल है। उनके पास उस समय भी कोई अचल संपत्ति नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।